इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ पोल्यूशन फ्री दिवाली बॉम्ब इन खराब पड़ी प्लास्टिक की बोतलों से, और इसे बनाने में मेरी हालत टाइट होने वाली। पोल्यूशन फ्री क्रैकर बनाने का काम इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है। मैंने इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की, तब जाके मुझे इसे बनाने का फॉर्मूला मिला। इसे हम इस वाले एनिमेशन में समझते हैं। आप सभी का हमारी एनिमेशन क्लासेस में आइए समझते हैं कि पोल्यूशन फ्री क्रैकर्स कैसे काम करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास तीन चीजें हैं, बोतल, चूना और पानी। और अगर हम चूने में पानी को मिला देते हैं तो चूना और पानी दोनों रिएक्शन कर गैसें रिलीज करते हैं। और अगर हम इस सेम रिएक्शन को प्लास्टिक बोतल के अंदर कर उसका ढक्कन बंद कर दे तो हमारा पोल्यूशन फ्री क्रैकर्स बनकर रेडी हो जाएगा। और सभी चीजें सही से काम करती है तो ये नॉर्मल क्रैकर्स से लगभग 50 गुना अधिक साउंड। मैंने सभी चीजों को एक निश्चित अनुपात में लिया है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं बता सकता। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल करने का समय आ चुका है, होप सभी सही से काम करें। इसे करने में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को अम्लीय भूमि में करना सही होता है, जिससे कि अम्लीय भूमि चूने से क्रिया कर एकदम नॉर्मलाइज हो जाए। और हमारे गाँव में ऐसी मिट्टी का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इस तरह से मैं अम्लीय मिट्टी को खोजने में लग गया। मैंने बहुत ज्यादा जगह डिस्कवर की, उसके बाद मुझे एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जगह मिली जहाँ पर पानी एकदम भरा रहता हो, और इस वाले एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ये वाला एरिया एकदम परफेक्ट। फाइनली आज हमारा बनकर हो चुका है पोल्यूशन फ्री क्रैकर्स जो कि यहाँ पर हैं। तो फाइनली मैंने दो बोतलों में इसे बनाया है और आज की वीडियो में हम इन्हें ब्लास्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए अब इसे ब्लास्ट करके देखते हैं। फुल ले गया वो तो अटिराल के पोल्यूशन फ्री क्रैकर बहुत ही ज्यादा अच्छे से फटा है। हालांकि इसने इतना अच्छे से साउंड नहीं किया, पर हमारा ये ब्लास्ट हुआ वही काफ़ी है हमारे लिए। सेकंड बोतल को ब्लास्ट करके देखते हैं, उसमें और भी ज़्यादा मजा आएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और फाइनली इस वाले भाई ने हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की वीडियो बनाने में, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लस इसको शूट करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है।